इकबाल नियाज़ी के ताल्लुक से अगर पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि सूरज को चराग दिखाने के बराबर होगा। यानी एक ऐसी शख्सियत जो कि बरसों से एक्टिवेट है इस ड्रामे फील्ड के अंदर, ड्रामे के मैदान में, तो मेरा उनका ताल्लुक जो है इसी महाराष्ट्र राज्य स्टेट उर्दू एकेडमी के कॉम्पिटिशन से हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू ड्रामों के फ़रोग़ के लिए उन्होंने जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई यानी बहुत बड़ा काम है। ये सिर्फ उर्दू ड्रामे की खिदमत ही नहीं बल्कि उर्दू अदब की भी खिदमत है। और उन्होंने जो ड्रामे की खिदमत की है उसके ताल्लुक से कुछ भी कहना यानी सूरज को चराग दिखाने के बराबर है। उर्दू अदब की खिदमत और ड्रामे की खिदमत, ये दोनों ऐसे अहम पहलू हैं उनके कि इनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। दरअसल उन्होंने न सिर्फ उर्दू ड्रामों की खिदमत की है बल्कि उन्होंने कई ऐसे शायर जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके नगमों को, उनकी शायरी को भी पेश किया है। आप म्यूज़िकल प्रोग्राम भी करते हैं वो, और इस तरह से एक बहुत बेहतरीन उन्होंने काम यहाँ पर शुरू रखा है। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हयाती दे और उनको ताकत अता फरमाए, और उर्दू अदब की वो यूं ही खिदमत करते रहे।